नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया देसी नुस्खा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार हमारा टॉपिक है कि इस समय बरसात का मौसम है, बारिश का सीजन है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा पेट खराब होता है। लोगों को लाल पेचिस पड़ती है, आँव पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देसी उपाय है, ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे शीशम का पेड़ है, इतना बड़ा है, गाँव में शीशम का पेड़ होता है, तो ये हम शीशम के पत्ती टोरे हैं, इसको पीसेंगे। पीस कर इसको घर में आसानी से मट्ठा मिल जाता है, तो उस मट्ठा और काला नमक उसमें मिलाकर पी लेंगे, दो या तीन बार पी लेंगे तो एकदम से पेचिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। शीशम की पत्ती तो आसानी से मिल जाता है गांव में, क्योंकि घर घर में लगा होता है या रोड रोड लगा होता है, हर जगह होता है। अब मट्ठा वैसे भी लोगों के घर पर गाय भैंस होती हैं तो हर दिन मट्ठा होता है, और काला नमक तो वैसे भी मतलब काला नमक बाज़ार से लोग खरीदते हैं, पर घर पे लोगों के पास होता है, तो ये एकदम से फ्री इलाज है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। शीशम की पत्ती तो ये फ्री ही है, मट्ठा फ्री ही है, नमक बस 2 रुपए या 3 रुपए को लगता है, ज़्यादा नहीं। तो ये देसी मतलब इसमें पैसा कुछ नहीं लगता। यदि पेचिस का इंग्लिश दवाई करवाएँगे तो उस दवा से फ़ायदा भी नहीं होता है और पैसा भी लग जाता है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और दवा गर्म भी कर देती है। गर्मी से ही पेचिस पड़ती है लोगों को, इस सीज़न में लाल पेचिस पड़ती है और सफ़ेद आँव पड़ते हैं, तो लोगों को बहुत करकराहट होता है पेट में। फिर चाहे जितना बारिश का दिन हो, चाहे रात दिन लोग भागते रहते हैं, और सावन के महीने में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों के, हर घर में सबका पेट खराब होता है। तो जो गांव के लोग होते हैं तो ये सिर्फ देसी उपाय करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं दवा करने। तो शीशम के पत्ती है और मट्ठा है, काला नमक है, तो शीशम के पत्ती सिलबट्टा में पीस लेंगे। पीसने के बाद मट्ठा में और नमक मिला के घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद उसको सुबह बासी मुँह पी लेंगे, तो 1-2 दिन पियेंगे, इससे एकदम से राहत हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है। गांव के लोग तो ऐसे भी इस दवा को कुछ लोग जानते हैं, लेकिन शहर के लोगों को शायद नहीं पता होगा। ये आसानी से गांव में शीशम का पेड़ होता है, घर में मट्ठा होता है, काला नमक बस बाजार से 2-4-10 रुपए को खरीद लेते हैं, ज्यादा पैसा के नहीं, तो ये फ्री इलाज है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। यदि ये दवा फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, ये एकदम से फायदेमंद होता है। इस दवा के लिए पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नहीं जानती थी कि ये दवा कैसी थी, लेकिन गांव में लोग बना के पीते थे, राहत हो गई। एक बार हमारे पिताजी को बहुत ज्यादा लाइटिंग इसी तरह हो रही थी, पेचिस लाल बाली पड़ रही थी, तो बहुत दिक्कत हो रही, फिर वो शीशम के पत्ती इसी तरह पीस के मट्ठा में पिए, तो देखने में तो बहुत अजीब लगता है, मतलब बहुत घृणा लगती है देखने से, लेकिन जो लोग पी लेते हैं तो एकदम से फायदेमंद हो जाता है। तो हम भी फिर एक बार इसी तरह, मुझे भी दिक्कत हो गया था, तो फिर हम भी पिए, तो एकदम से शरीयती दवाई है, क्योंकि इंग्लिश दवा खाने में दिक्कत भी होती है, फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देखने में अजीब लगा कि बहुत खराब। वैसे भी मट्ठा लोग पीते ही है, काला नमक मिला के पीते हैं, तो स्वाद मतलब अलग ही वैसे हो जाता है, तो ठीक स्वाद भी ठीक रहता है, बस देखने में अजीब लगता है। यदि आपके पास इस तरह से देसी उपाय है तो आप जरूर शेयर करिएगा। अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।